चंबा के कथालग गांव में वार्षिक छिंज मेले के आयोजन में बड़ी माली पठानकोट के काका के नाम रही व उपविजेता पठानकोट के जॉनी रहे, जिन्हें मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्डा ने इनाम राशि देकर सम्मानित किया। पर्यटन नगरी डलहौजी के साथ लगते कथालग गांव में वार्षिक छिंज मेले की धूम रही। छिंज मेले का आयोजन मेला कमेटी कथालग द्वारा करवाया गया। इस छिंज मेले के समापन समारोह में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता व उपविजेता पहलवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी माली पठानकोट के काका के नाम रही व उपविजेता पठानकोट के जॉनी रहे। बड़ी माली के विजेता पहलवान को मुख्य अतिथि मनोज चड्ढा ने 7100 रुपए व उपविजेता को 5100 रुपए नगद पुरस्कार के रूप में प्रदान किए। वहीं छोटी माली पंजाब के धार के काला के नाम रही व उपविजेता मुश्ताक रहे, जिसमें मुख्य अतिथि ने विजेता पहलवान को 5100 व उपविजेता पहलवान को 3100 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मेला कमेटी अध्यक्ष अनिल शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए उन्हें शॉल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि डलहौजी नगर परिषद के कथल गांव का छिंज मेला अपने आप में एक प्रसिद्ध मेला है और डलहौजी नगर परिषद में केवल कथल गांव में ही छिंज मेले का आयोजन होता है, जिसमें डलहौजी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस मेले के जरिए कथल के निवासी अपनी प्राचीन संस्कृति को कायम रख रहे हैं। काउंसिल के तहत ये जो कथलग छिंज मेला है, ये एक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मेला है और ख़ासतौर पर हमारे म्युनिसिपल एरिया में एक यही मेला होता है जिसमें डलहौजी के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब मेले का मतलब तो आप समझते ही हैं, मेल, और मेल में आना, उसको मेला कहते हैं। और हम लोग जो हमारी संस्कृत धरोहर है ख़ासतौर पर हिमाचल की, उसमें मेले जो हैं ये अपनी एक खास जगह है। डलहौजी म्युनिसिपल एरिया के तहत कथलग के लिए आज मैंने अनाउंस किया है कि यहाँ पर एक इको डेवलपमेंट पार्क के नाम से हम विकसित करेंगे, जिसमें अम्यूजमेंट पार्क भी होगा और अन्य खेले बच्चों के लिए जगह होगी, ताकि जो डलहौजी का टूरिस्ट है वो कथलग विलेज तक को भी टच कर सके। हो सकता है कि उसके अंदर हम एक छोटी मार्केट को भी डेवलप करें और ये जो छिंज मेले का ग्राउंड है इसको भी हमने विकसित करने का प्रयास करेंगे। एक पार्किंग बनाने का भी हमने यहाँ पर आज आश्वासन दिया है और वो गत वर्ष में उस पार्किंग को भी हम पूर्ण करने जाएंगे। दंगल मुकाबले में हिमाचल के अलावा पंजाब के कई नामी पहलवानों ने हिस्सा लेकर दमखम दिखाया। इस मौके पर आसपास के गांव के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोगों व पर्यटकों ने इस छिंज मेले का आनंद उठाया। लोगों ने अस्थायी दुकानों पर जमकर खरीदारी का लुत्फ भी उठाया। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।